सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। राजस्थान के अलवर जिले में बहरोड़ तहसील गो रिक्शकों द्वारा गौ तस्करी के आरोप में पीटे गए मुस्लिम शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गौ रिक्शकों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। घटना बीते शनिवार की बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। हरियाणा के रहने वाले पहलू खान उम्र 50 वर्ष 6 गाड़ियों में गायों को खरीद कर ले जा रहे थे। इसी दौरान बहरोड़ पर गौ रिक्शकों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। गौ रिक्शकों ने पहलू खान और उनके सहयोगियों की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद पहलू खान को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पहलू खान ने गौ रिक्शकों को गाय खरीद के दस्तावेज भी दिखाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पिटाई कर दी गई। पुलिस के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बहरोड़ के पास इन गाड़ियों को रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि घायल हरियाणा के नूह जिले के रहने वाले हैं। DTN न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।